हेलो, वेलकम टू OTC। तो आइए हम कुछ प्रिज्म के बारे में और भी जानते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने प्रिज्म का फॉर्मूला बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन बताया था, एंगल ऑफ प्रिज्म बताया था। अब उसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए और भी चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या और कैसे होता है। तो आइए हम सबसे पहले बनाते हैं एक प्रिज्म। तो हमने क्या बना दिया, एक प्रिज्म बना दिया। इस प्रिज्म का नामकरण कर देते हैं, इसका नाम मान लेता हूँ ए, इसका बी और इसका सी। अब क्या हुआ, एक लाइट इसके ऊपर क्या होगा, इंसिडेंट होगा, जो कि मैं पिछले ही वीडियो में बता दिया हूँ, कोई नहीं, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। एक ऐसे रे ऑफ एंगल क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे। अब यहाँ पे ड्रॉ होगा एक क्या, नॉर्मल। तो हमने एक यहाँ पे क्या कर दिया, एक ड्रॉ नॉर्मल कर दिया, रे ऐसे आया और यहाँ पे क्या हो गया, एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब लाइट वही जब भी रेयर से कहाँ जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा। रेयर से डेंसर मीडियम में जाता तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो ये हल्का सा क्या हो गया, बेंड हो गया लाइट का। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार और। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक, अब नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, डेंसर से अब लाइट कहाँ जाएगा, रेयर में जाएगा। तो डेंसर से रेयर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाता है। वन मिनट, थोड़ा टोटल लाइन ले लेते हैं। ये हो गया हमारी कहानी, नहीं सॉरी, ऐसे ये हल्का सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ऐसे। यहाँ से ये हल्का सा बेंड हो गया। अब क्या होगा, इस लाइन को कहाँ जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना के हल्का सा क्या हो गया, ये बेंड हो गया ऐसे, सीधा सीधा जाना चाहिए था। और इसको अगर बैक ट्रेस करूंगा तो ये कैसे जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए। और इसी के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको क्या माना हुआ है R2। और इसके एंगल को हमने क्या माना हुआ है A, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देता हूँ D, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ E, इसको M, और इस पॉइंट को क्या नाम देता हूँ N। तो अब देखते हैं, तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, कि एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है, फर्स्ट फॉर्मूला, चार फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता था कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे माइनस में एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, पहला। दूसरा, इस वाले पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। इंसिडेंस लॉ अप्लाई करूंगा तो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान के चलता हूँ म्यू, और बाहर वाले का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा एयर में है। तो लगाते हैं इंसिडेंस लॉ इस पॉइंट डी के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू में साइन आर। तो 1 लिखने की ज़रूरत हमें है नहीं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 1 को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला। ऐसे तीसरा फॉर्मूला इस वाले के लिए भी हम लगा सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ई पर, क्या हो जाएगा, म्यू साइन R2, ये सॉरी यहाँ पे R1 होगा, R1 रिफ्लेक्शन हो रहा था, साइन R2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू में, और इसका क्या हो जाएगा, साइन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, ई है। तो फिर से 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन ई हो जाएगा। एक तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। एंड लास्ट में फॉर्मूला क्या होगा, जो बताया था एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है, R1 प्लस में R2। ये चारों फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं, इसी के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल आएगा हम सब इसी से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देता हूँ, तो उस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं, फिर बताते हैं कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आइए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक कोई प्रिज्म है, प्रिज्म ये हो गया हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म का मैं कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो कितने डिग्री है, 45 डिग्री। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ जिसका एंगल ऑफ डिग्री कितना है, 45 डिग्री इंसिडेंट हो रहा है।
तो बाकी जो भी चीज़ है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेता हूँ, रूट टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एक ऐसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई नहीं स्पेलिंग पे मत जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या क्या बताना, जो भी चीज़ है इसके अंदर जो जो हमें दिख रहा है क्या क्या बताना होगा, फाइंड करना होगा जो मिसिंग टर्म है, लाइक R1, R2, एंगल ऑफ डेविएशन, इमर्जेंट रे, इन सब की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो केवल और केवल हमें दो चीज़ गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, इंसिडेंट रे गिवन है कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर, और म्यू गिवन है किसका, इस प्रिज्म का कितना है, रूट टू है, और एयर का तो पता है 1 होता है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डिवेल होगा उसका एंगल R1 क्या होगा। तो R1 निकालने के लिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होगा इसके लिए, एयर है तो 1 × sin 45 डिग्री इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 × sin R1, क्योंकि क्या होगा यहाँ से थोड़ा सा ये बेंड होगा इधर की तरफ हल्का सा, ठीक है। तो और यही हमारा एंगल क्या होता है, R1 होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं फिर से यहाँ पे, फिर ये लाइट क्या हो जाएगा भाई, दोबारा से यहाँ से बेंड हो जाएगा ऐसे। तो कहानी क्या होगा इस वाले में, इस वाले को हम R2 बोलेंगे, और इस वाले क्या बोलेंगे, इमरजेंस। तो यहाँ पर फिर एक बार दोबारा से लगाएंगे तो वहाँ से इमरजेंट रे निकल कर आ जाएगा। तो आइए इस पर पहले सॉल्व करते हैं। हमें R1 की वैल्यू चाहिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इस रूट टू को इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये आके भी क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन आर वन। तो यानी साइन R1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2, यानी साइन R1 इक्वल टू में साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कंपेयर कर लेंगे तो R1 कितना निकल कर आ जाएगा, 30 डिग्री। सेम ऐसे ही एक बार और क्या करूँगा मैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके और भी कुछ निकालने क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आइए भाई स्नेल्स लॉ दोबारा लगाते हैं, स्नेल्स लॉ इस पॉइंट के लिए अब लगाते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू क्या है, √2 × sin R2 यहाँ से मैं निकालूंगा, इस फॉर्मूले से निकालूंगा, R2 यहाँ से निकालिए कि मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि A = R1 + R2। तो A इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी A की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी 60 ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और R1 की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो R2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब हमें इमरजेंट एंगल इसकी और इसकी कहानी हो गई, अब हमें डेल्टा और इमरजेंट एंगल। तो इमरजेंट एंगल यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ √2 × sin R2 = इसका क्या हो जाएगा, 1 × sin इमरजेंट एंगल। तो इसका क्या हो जाएगा, √2 sin R2, R2 की कितनी वैल्यू है, 30 डिग्री, √1 से कोई मतलब नहीं, sin E। तो क्या हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 × sin E। अब इसको बड़े प्यार से काट दूंगा, √2 × 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ, बात तो वही है, मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाना है। एक से इसका क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, बचेगा क्या, sin E = 1/√2। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या निकल कर आ जाएगा, क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ से कंपेयर करने पर इमरजेंट एंगल कितना आ जाएगा भैया, 45 डिग्री। अब जो भी चीज़ यहाँ से पूछना होगा सब बता सकते हैं यहाँ से। अब लास्ट रह गया हमारा क्या निकालना, इमरजेंट निकल गया, अब डेल्टा निकालना। तो डेल्टा की कहानी यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि डेल्टा इज गोल्ड में क्या होता है भैया, I + E - A। तो I कितना था, I हमारा कितना गिवन था, 45 डिग्री, प्लस में इमरजेंट एंगल भी कितना निकल कर आया भाई, 45 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना था, 60 डिग्री, 45 डिग्री - 60 डिग्री। तो ये 90 - 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये निकल के सारी वैल्यू ऐसे ही इसी फॉर्मूले में
ये चार जो फॉर्मूले हैं बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, तो इनको एकदम फॉर्मूले को क्या कर लो, मेमोराइज कर लो। बाकी इसके ऊपर ही होगा, बाकी और भी हैं इसके अंदर, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, फिर से डिस्पर्जिंग पावर, डिस्पर्जिंग क्या सब होता है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।